वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग सीरीज के अंदर। इससे पहले आप 7 वीडियोस देख चुके हैं, इनमें से कोई भी वीडियो आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक नंबर इंट्रोडक्शन, फिर 2 सीट या पेज डिजाइन, 3 नंबर है डीएम पेज डिजाइन, 4 नंबर है कवर पेज डिजाइन, 5 नंबर है सीट पेज डिजाइन विदाउट यूजिंग टेम्पलेट, 6 नंबर है डीएम डिजाइन विदाउट यूजिंग टेम्पलेट या कटिंग, 7 नंबर है गोल्डन एंड रेड कलर इफेक्ट्स। ये सीरीज का 8वां वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक एल्बम के अंदर हम स्पेयर टोन इफेक्ट एंड ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट देंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से स्पेयर और ब्लैक एंड वाइट कलर टोन इफेक्ट देंगे। फोटोशॉप CS5 है ये, लेकिन स्पेयर टोन इफेक्ट आप किसी भी फोटोशॉप में दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैक एंड वाइट कलर इफेक्ट का देखेंगे किस तरह से ब्लैक एंड वाइट कलर इफेक्ट। ये फोल्डर हम कुछ लेकर के चल रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्लोजअप सीन्स हैं जिनको हमें ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट देना है। ब्लैक एंड वाइट कलर इफेक्ट देने, जैसे कि मैं ये फ़ोटो लेके आ रहा हूँ, कई तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट कलर इफेक्ट दे सकते हैं। पिछली वीडियोज़ के अंदर हमने ब्लैक एंड वाइट दिया था, रेड और गोल्डन कलर के अंदर भी उसकी ज़रूरत थी, तो हमने क्या किया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में यू दबाया था जिससे ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। इसका दूसरा तरीका, इसको कैसे किया था हमने, कंट्रोल यू के साथ आप कर सकते हैं। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से सेचुरेशन, इसको फुल करेंगे तो फुल कलर आएगा, अदरवाइज यहाँ से कलर नहीं रहेगा तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी फोटो। ब्लैक एंड वाइट देने का दूसरा तरीका और है, इमेज के अंदर जाएंगे, एडजस्टमेंट के अंदर जाके हम यहाँ से डीसेचुरेट, यानी वही ऑप्शन है, कंट्रोल यू से आप दोगे या यहाँ से जाके डीसेचुरेट करोगे, ब्लैक एंड वाइट फोटो आपकी दिखाई देगी। इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट कलर इफेक्ट देने का एक दूसरा तरीका भी है, वो तरीका ये है कि आप इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट से आप सेलेक्ट करेंगे ग्रेडिएंट मैप, ग्रेडिएंट मैप से भी आप ब्लैक एंड वाइट कलर इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे जो आप ब्लैक एंड वाइट जो ग्रेडिएंट सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये, तो इस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट कलर इफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है, खूब सारे तरीके हैं, अगर ये तरीका आप यूज में ले, लेकिन ज़्यादा करने की ऐसी ज़रूरत होती नहीं है। वैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यू लेयर ले रहा हूँ और उसको ब्लैक कलर दे रहा हूँ, पूरी तरह से ब्लैक कलर देने के बाद में जो नीचे का लेयर है उसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, और ऊपर वाले लेयर को मैं क्या करूँगा, इफेक्ट दूँगा यहाँ से लूमिनोसली। तो ये भी एक ब्लैक एंड वाइट का पार्ट है, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाला जो कलर था पूरी तरह से ब्लैक नहीं था इसलिए वो ब्लैक दिखाई नहीं दे रहा था। अभी जैसे ब्लैक हुआ, पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट दे दे। यहाँ इस नीचे वाले कलर को आप अलग अलग जैसे ही चेंज करोगे तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेयर टोन दिखाई दे, टोन इफेक्ट दिखाई देंगे, कम या ज़्यादा भी इसको आप कर सकते हो। ये एक तरीका हो गया, अब इसको ब्लैक एंड वाइट हमने देख लिया है। इसके बाद में डायरेक्ट स्पेयर टोन देने का दूसरा तरीका ये है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से कलराइज करेंगे। कलराइज करने के बाद में ऊपर से जो कलर हमें सेलेक्ट करना है, जिस कलर के अंदर इफेक्ट देना है वो कर सकते हैं, और उस सेचुरेशन है उसको कम करेंगे तो वो कलर कम दिखाई देगा, जैसे रेड कम दे रहा है, ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ से आप स्पीयर टोन इफेक्ट दे सकते हैं। स्पीयर टोन इफेक्ट का एक दूसरा तरीका भी है जो अच्छा तरीका है, यहाँ से हम ये फोरग्राउंड और ये नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है, हमें फोरग्राउंड कलर को डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट यहाँ से नीचे नीचे का जो पार्ट है किसी भी कलर के अंदर वो सेलेक्ट करना है। जैसे ये यहाँ से डार्क मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद लाइट कलर के अंदर जो यहाँ वाला जो एरिया है लाइट का, ये कलर सेलेक्ट करना है, कोई भी लाइट कलर, जैसे ये लाइट कलर मैंने सेलेक्ट किया। डार्क और लाइट कलर कोई भी सेलेक्ट करने के बाद में अलर्ट IAG ग्रेडिएंट मैप से हम ओके करेंगे तो ये स्पीयर कलर टोन इफेक्ट आएगा। यहाँ आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसका उल्टा नहीं कर सकते कि ऊपर वाला लाइट और नीचे वाला डार्क, अगर ऐसे किया तो फोटो का इफेक्ट हो जाएगा, वो इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद में हम दूसरा कलर इफेक्ट देकर भी चेक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लिया, नीचे वाले को भी आप दूसरा दे सकते हैं, इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हैं। यहाँ पे स्पेयर कलर टोन इफेक्ट देने के बाद में यहाँ पे स्पेयर कलर टोन इफेक्ट देते हैं,
यह कलर टोन इफेक्ट देने के बाद में इसको और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, इसका एरिया हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मार्की टूल से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन करने के बाद में न्यू लेयर लूँगा। लेयर लेने के बाद में फेदर दिया 100 इसका और सिलेक्ट इनवर्स, और यहाँ पे वही कलर जो फोरग्राउंड कलर का डार्क कलर था उसी को मैं फोरग्राउंड कलर यहाँ से फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सेंटर का एरिया है वो हाईलाइट हो रहा है। इस तरह से आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, कौन सा एरिया आपको हाईलाइट करना है कौन सा नहीं करना है। इससे क्या होगा कि स्फीयर कलर टोन इफेक्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा और शानदार लुक आपको देगा। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से हम एक एल्बम या सीट के अंदर हम स्फीयर कलर टोन को इफेक्ट को यूज करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लेके आ रहा हूँ, आप देखिए ये फ़ोटो मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले हम कंट्रोल एंड से न्यू फ़ोटो, इसकी साइज़ विड्थ मुझे चाहिए 36 और हाइट चाहिए 12x200, मुझे रिजोल्यूशन चाहिए और इसके सेंटर में मुझे यहाँ पे कट लाइन चाहिए 18 इंच की। उसके बाद मैं कंट्रोल आई से इनवर्स किया और यहाँ पे वो फ़ोटो यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इस फोटो को या इस सीट पे मुझे स्फीयर कलर टोन इफेक्ट यूज़ करना है। सबसे पहले अलर्ट IAG कर देता हूँ मैं, स्फीयर टोन आ गई। उसके बाद में हंड्रेड इसका फेदर दिया, हाईलाइट एरिया हमको करना है, सिलेक्ट इनवर्स किया। इनवर्स करने के बाद में इस एरिया को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद में यहाँ पे ये कलर, अब इसकी को ओपेसिटी कम करेंगे, और अब इसको दूसरी साइड में लेके आएंगे और मैं यहाँ पे ग्रीशियन ब्लर इसको दे रहा हूँ। ग्रीशियन ब्लर देने के बाद में आपको फोटो नहीं दिखाई देगी, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो आपको फ़ोटो लगानी है वो फ़ोटो आप लगा सकते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पे एक सीट तैयार कर सकते हैं। ये जो स्पेस है यहाँ पे भी आप दूसरी कोई फ़ोटो लेके आ सकते हैं, जैसे कि मैं ये फ़ोटो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। लेयर्स में जाके इस फोटो को मैच करवाना है इस सीट के अंदर, तो मैं इस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा लेयर को, और यहाँ से जो नॉर्मल है इसको लुमिनोसली करूँगा, जिससे क्या होगा ये फोटो इसके अंदर मैच हो जाएगी। आपके पास एक और तरीका भी है कि आप लुमिनोसली इसको ना करें और यहाँ पे ये फ़ोटो का रेड कलर इफेक्ट दे दें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, Alt+SC। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रेड कलर इफेक्ट कैसे देंगे, रेड कलर इफेक्ट इसके अंदर इन्वर्स किया और फिर उसके बाद में Alt+IAG। तो इससे क्या हो गया, रेड कलर को छोड़ के जो भी इस फोटो का एरिया है वो इस बैकग्राउंड के साथ में मैच हो गया, और यहाँ आप दूसरी अपनी फोटो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप स्फीयर और रेड कलर मिक्स करके भी एक सीट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लाइटरूम के इफेक्ट देंगे। एडोब लाइटरूम भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसे हम डिफरेंट इफेक्ट देने के बाद में फ़ोटो को फोटोशॉप के अंदर जो कि हम सीट डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू।